जहाँ पर देखिए जबरदस्त नारेबाजी हो रही है, क्या हुआ है? पास में जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या हुआ है यहाँ पे। अरे आवाज नहीं, हेलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जयकारा वीर बजरंगी। शराब के ठेकेदारों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शराब के ठेकेदारों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, 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 बंद करो। आप सारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप सारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ले भाई बाइक। आज हिकनी पुले विभाग और जिला प्रशासन की अदुष्टता कह सकते हो या ये कह सकते हो कि पैसा खा के मंदिर के दीवार के टच देसी शराब और अंग्रेजी शराब की दुकानें खोली जा रही है। हमारे पहले ही प्रतिनिधि मंडल में ज्योति जी जो हमारे पार्षद है, हमारे फौजी भाई साहब हैं और पूरे जो सदस्य हैं, इन्होंने प्रशासन को पहले भी चेतावनी दी थी कि ये यूनिवर्सिटी रोड है और यहाँ पे मंदिर है, दो दो तीन तीन मंदिर यहाँ पे है, उसके बाद भी मात्र 10 मीटर की दूरी पर ये शराब की दुकान की परमिशन देना अपने आप में गोतक होता है कि ये अफसर लोग पैसा खा के कुछ देखते नहीं है, ऑफिस में बैठे बैठे ही परमिशन जारी कर देते हैं या लोग इतने परेशान रहते हैं। ये बेकनी जो चौराहा है, या कम से कम 1000 मजदूर रोज सवेरे यहाँ बैठते हैं, अपनी रोजगार को ढूंढते हैं और वापस शाम को आके वहाँ पर यहाँ इकट्ठे होते हैं। उस जगह ये शराब पीने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए, उन मजदूर वर्ग को, उनके परिवारों को नष्ट करने के लिए, उनके महिला शक्ति को नष्ट करने के लिए उन्होंने ये शराब की दुकान की परमिशन दी है। हम यहाँ के सभी नागरिक, चाहे सब वार्ड के जितने भी लोग हैं, हम सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं और ये विरोध कर रहे हैं। चाहे कोई सी भी दुकान हो, ये नई खुल रही जो या पुरानी चल रही जो, वो भी बंद होनी चाहिए और कोई भी दुकान नहीं लेनी चाहिए। और यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी रोड है, यहाँ मजदूर बैठे रहते हैं, आप दारू दे दे, यहाँ पे देखो आप बिगस के मास्क मदिरा की दुकानें खुली हुई है। आज शाम को बैठे बैठे यहाँ पे झगड़े होते हैं, तलवारें चलती है, चक्कू चलते हैं। यहाँ पे माँ बेटियों की सब्जी लेने की मार्केट है, यहाँ सब्जी लेने आती है, किसी की साड़ी खींची जाती है, किसी को दारू पी के आदमी झूलता हुआ उन माँ बेटियों को गाली गलौज करता है, वो सिर झुका के निकल जाती है। हम चाहते हैं सभी लोग किसी भी हालत में न तो ये नई दुकान खुले और वो जो पुरानी दुकान है उसको भी बंद कर दिया जाए। सिटी रोड का दृश्य है जहाँ पर देखिए शराब की दुकानों को बंद लेकर जबरदस्त यहाँ पर क्षेत्रवासियों का प्रदर्शन चल रहा है और डिप्टी मेयर यहाँ पे आ चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी मेयर? चलते हैं। भगवान के मंदिर के पास में लाइसेंस देना पूर्णतः गलत है, इसकी घोर निंदा करते हैं। अगर ये दुकान
निश्चित रूप से अगर इसका लाइसेंस निरस्त नहीं किया गया तो उदयपुर की सड़कों पर युवा उतरेगा और मार्केट ये यूनिवर्सिटी रोड व्यापार बंद नहीं कराएगा, पूरा उदयपुर बंद कराएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी 100% जिला प्रशासन की होगी। हम चेतावनी देते हैं, ये कोई तरीका नहीं होता है। बार बार अभी थोड़े दिन पूर्व एक मंदिर के और पास में वहाँ पर लाइसेंस दे दिया, हमारा क्षेत्रीय पार्षद राकेश परेशान हुआ, कोर्ट में गया और आज यहाँ पर इस बेकनी पुलिया के पास में हनुमान जी का मंदिर, और हनुमान जी का मंदिर अभी तो नहीं बना है ना, पहले बना हुआ था। अधिकारी देखते नहीं है क्या लाइसेंस लेने के पहले? निश्चित रूप से यह दुर्भावना है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जिला प्रशासन को संज्ञान और तुरंत प्रभाव से लाइसेंस को निरस्त करना। देखिए ऐसा है, पूर्व में भी कई बार इसी संज्ञान को लेकर क्षेत्र में सूरजपुर चौराहा हो या कोई भी चौराहा हो उदयपुर का, इसमें जन आक्रोश फैला है। बालाजी की जो अस्मिता है, स्थापना है, उससे कोई भी अधिकारी अगर वाकिफ नहीं है तो मैं मानता हूं उनकी पूर्ण शिक्षा नाजायज है, उनकी डिग्रियां किसी काम की नहीं है। इस क्षेत्र में जिस तरह से बालाजी के समक्ष एकदम पास में जिस तरह से लाइसेंस दिया गया है, मैं समस्त साथियों के साथ सरकार से ये कहना चाहूंगा उन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करें, उस अधिकारी को निलंबित किया जाए जिसने ये लाइसेंस दिया है। दूसरी मांग हमारी सरकार से ये है कि सरकार के इन अधिकारियों की वजह से जन आक्रोश में सत्ता में बैठे हुए जो हम पदाधिकारी हैं, जो जनता की सेवा में धर्म के काम में हर समय आगे रहते हैं, उनको इन अधिकारियों के कुछ लालच और कुछ दुर्भावना जिनसे फैलाने का कृत्य कर रहे हैं, उसके से हम सब पदाधिकारियों को जनता का आक्रोश सहना पड़ता है। उच्च अधिकारियों से मैं निवेदन है, मंत्रिमंडल से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन अधिकारियों पर अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा बैठना, जनता से सर्वप्रथम सम्मान की बात करना पूर्णतः गलत साबित इस धरा पर हो रही है। मैं अधिकारियों के खिलाफ मंत्रालय से भी और उच्च अधिकारियों से भी जल्द से जल्द कार्रवाई चाहूंगा, वरना सर्व समाज एक मत होकर इन अधिकारियों के और जिस जो दलाल बैठे हुए हैं सरकार की आड़ में जो ये कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ भारी जन प्रदर्शन करें। बोल बालाजी महाराज की जय। उस क्षेत्र में अवैध ठेके को लेकर आज ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, ये जबकि बिल्कुल पास में बालाजी का मंदिर है और मंदिर के पास में ही ये पूरी शराब की जो है शॉप है, आगे देखे तो आप एक शराब की शॉप और दिखाई दे रही है और ये बालाजी का मंदिर है और जस्ट इसके पास में अटैच में शराब की दुकान खोली, जिसके विरोध में आज ये सभी क्षेत्रवासी और डिप्टी मेयर तक यहाँ पे आ चुके हैं पारस सिंह जी, तो नगर निगम के यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद हैं, गौरव प्रताप भी यहाँ पर आ गए हैं जिनके आपने भाषण भी सुना। किसका विरोध चल रहा है? ये हमारे मंदिर है, ये हनुमान जी का, इससे मात्र 10 फीट दूर में एक सरा, हाँ तो क्या कहूँ, 10 फीट दूर है और ये शराब का ठेका लगा है, अंदर सब नीचे नीचे जा गए हैं, शराब की बोतलें पड़ी है अंदर और क्या लाइसेंस भी मिल गया, तो ऐसा लाइसेंस वाले तो हमारा यही विरोध है कि इसको बंद किया जाए। भारी विरोध जो है वो यहाँ पे हो रहा है, शराब की दुकान को बंद लेकर और हालत आप देख सकते हैं क्या है। देखिए कैसे बोतलें जो है यहाँ नशेड़ी जो है वो पड़े रहते हैं, बोतलें पड़ी हुई है। शराबबंदी की मांग को लेकर, ठेके को बंद कराने को लेकर आज यूनिवर्सिटी पर देखिए भारी जन आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है, पुलिस बल यहाँ मौजूद है,
अभी भी लोग दिखाई दे रहे हैं। तमाम जितने भी संगठन हैं वो सारे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, डिप्टी मेयर यहाँ आ गए हैं भरत सिंह जी, और देखिए पूरे जितने भी संगठन हैं सब यहाँ मौजूद है। तो शराब की दुकानों को बंद कराने को लेकर और हनुमान जी के मंदिर के जस्ट पास जो है शराब की दुकान खोल दी गई, जिसको लेकर ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आप देखिए कि बालाजी के मंदिर के पास ही ये मंदिर है और ये पूरी शराब की जो है दुकानें खोली गई, जिसके विरोध में बड़ा जन समर्थन जो है वो इकट्ठा हुआ है और शराब बंदी को लेकर सभी ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। जी भाई साहब, बालाजी के मंदिर के पास में जिस प्रकार से शराब का ठेके को स्वीकृति दे दी गई बिना देखे अधिकारियों ने या देख कर दी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, संज्ञान हमारे 3 अप्रैल को पाँच दिनों से पहले भी आया था और उस समय हमारे यहाँ कार्यकर्ता खड़े थे, उन्होंने हमारे को कहा भी था। तो सबसे पहले हम लोगों ने हनुमान जन्मोत्सव के पहले ही कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया था इस संबंध में बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से, और हमने उनको कहा था कि कोई भी स्कूल हो या अलावा कोई मंदिर हो या ऐसी कोई धार्मिक जगह हो उसके पास ठेका आबकारी आयुक्त भी उसको ठेके के लिए परमिशन नहीं देता है। तो फिर ये जो अगर मोहल्ले में खुल रहा है और जहाँ बिल्कुल पास से मंदिर है जहाँ माताएं बहनें आती है, तो उसका तो विरोध हम बजरंग सेना मेवाड़ करते हैं, तो इसको खुलने नहीं देंगे।